खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, शत्रु पक्ष इस दिन बहुत प्रबल है, ध्यान से चलिएगा। धन खर्च करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, छोटी सी सावधानी इस दिन बरतने की आवश्यकता है। ये दिन आपको कुछ धन दे सकता है, बशर्ते कि आपकी वाणी अच्छी हो, और इस दिन घर गृहस्थी में वाद विवाद आपकी वजह से ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, दूध का दान कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, थोड़ा सा तनाव रहेगा, थोड़ी सी मस्ती रहेगी, दिन आराम से कट जाएगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर बरतिएगा। बाकी दिन अच्छा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर करिएगा, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप अवश्य कीजिएगा, और लोगों को प्रसाद में आटे का कुछ बनाकर जरूर बांटिएगा। मिथुन राशि, समय अच्छा है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, उससे आपको लाभ होगा। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अपनी भाषा पर ध्यान रखें और दुर्घटना से बचने की कोशिश करें, सतर्क रहें। उपाय क्या करना है, इस दिन आपको गौ माता की सेवा करनी है, फिर काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, ये दिन आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बनी रहेगी और मन कुछ विहल रहेगा, कुछ भावुक महसूस करेंगे, आलस से महसूस करेंगे, आप कमजोरी भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन नहीं चलाइएगा, और इस दिन आपको उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम का जितना भी आप कर सकते हैं जब अवश्य कीजिएगा। सिंह राशि, कहीं आना जाना पड़ सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, कुल मिला के समय अच्छा रहेगा, चिंता करने की बात नहीं, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहें, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाषा की वजह से कुछ परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए अपनी भाषा को संभाल के रखें, वैसे दिन कुल मिला के अच्छा है, लाभ होगा। बस एक छोटी सी सावधानी रखिएगा, इस दिन किसी को एकदम धन मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन गौ माता की सेवा करें, फिर अपने काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, ये समय कंफ्यूजन का है, लेकिन है कुल मिला के अच्छा, दिन बड़ा बोर सा लगेगा, आप आलस्य में डूबे रहेंगे, अनमने से अपने आप को महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी समय आपके लिए अनुकूल है, लाभप्रद है। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है, इस दिन आप तेज गति से वाहन नहीं चलाइएगा। उपाय क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का जप करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए बेहतर है, खुल के काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी खास व्यक्ति से आपका मिलना हो सकता है। इस दिन एक छोटी सी सावधानी, चढ़ते उतरते या खाना बनाते अपना ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने सूर्य को जल देना है और थोड़ा सा पका हुआ भोजन किसी को सप्रेम दान में जरूर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, इस समय आपके लिए अच्छा है और आपके रुके हुए कार्य इस दिन बन सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन कहीं कोई दिक्कत हाथ पैरों में ना हो जाए, सतर्क रहें, वाहन भी ध्यान से चलाएं, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा मिला जुला है, धन का नुकसान ना हो उस बात की कोशिश करनी होगी, और एक छोटी सी सावधानी ये जरूर रखनी होगी कि रिश्ते नातों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहे, नहीं तो रिश्ते नाते रूठ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, यदि संभव हो सके तो तिल के तेल का दान कर दीजिएगा, अन्यथा सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा। कुंभ राशि, ये दिन आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने छोटे बच्चे, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का आपको इस दिन ध्यान रखना होगा। लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, खास तौर से जब आप यात्रा में हों। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने गौ माता की पूजा करनी है और उन्हें भीगी हुई अरहर की दाल खिलानी है।
मीन राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, चिंता ना करें, आगे बढ़ें, काम की बात करें लोगों से, आपके काम बनेंगे, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन आप जल्दबाजी में धन संबंधी कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए। इस दिन आप ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जो चाहिए प्रभु जी सब ठीक करेंगे।